आशीष भाई यहाँ पे तो नहीं है, बट इरफान भाई ने मुझे बाइक टेस्ट राइड करने के लिए चाबी दे दी। सो दिस इज एडवेंचर 390, KTM एडवेंचर 390। सो देखते अभी ये चला के कि कितना मजा आ रहा है। और इसके ऑन रोड प्राइस है 3। सो दिस इज ट्यूसडे और आज मैं जा रहा हूँ KTM के पार्ट्स लेने, जो मैंने 7 तारीख को ऑर्डर किए थे, एंड टुडे इज 22nd September। तो देखते वहाँ पे जाके पार्ट्स लेते और इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह सब बता दूंगा आपको कितना है, आगे पता चलेगा वीडियो के। सो वीडियो देखते रहिए। सो फाइनली आई रीच हियर एंड वहाँ पे अंदर काम चल रहा है। जॉब कार्ड बनेगा बेसिकली, पहले जॉब कार्ड के बाद यू नो दिस पार्ट, दिस पोर्शन, दिस विल। और कल रात को मेरे को कॉल आया इनका कि पार्ट आ गया है, तो मैंने जैसे कॉल आया मैं आज आ गया। तो अभी देखते कितना खर्चा होता है पार्ट लगाने के लिए, कितना खर्चा होता है, और पार्ट की प्राइस मैं आपको बताता हूँ क्या है। आशीष भाई यहाँ पे तो नहीं है, बट इरफान भाई ने मुझे बाइक टेस्ट राइड करने के लिए चाबी दे दी। सो दिस इज़ एडवेंचर 390, KTM एडवेंचर 390। सो देखते अभी ये चला के कि कितना मज़ा आ रहा है। और इसकी ऑन रोड प्राइस है 3,64,000। तो चलो अभी एक टेस्ट राइड लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। बस बहुत स्मूथ लगी मेरे को, मतलब जितनी भी KTMs है, ड्यूक है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। और जैसे नाम एडवेंचर वैसा काम कर रही है। सो दिस इज द एस्टिमेट अमाउंट, लाइक 889 में हो गया सब कुछ। किल स्विच चेंज एंड एक फिल्टर लिया मैंने। किल स्विच आपको 385 में मिल जाता है और फिल्टर 218। तो अगर आपको करना है तो आ जाओ KTM, 10 मिनट में करके देते हैं मस्त एकदम। तो एज यू कैन सी दिस इज दैट पार्ट, ये पूरा अभी नया हो गया पूरा एकदम। आई एम गुड टू गो। KTM आए और आशीष भाई को नहीं मिले, ऐसा हुआ तो मतलब हो गया। बूम, लॉकडाउन के बाद आशीष भाई को मिल रहा हो, कैसे हो? प्रतीक हमको मिल रहा है, प्रतीक को आज टाइम है इधर आने को ना, बहुत बिजी है। पार्टी नहीं आ रहा था KTM का एक महीने से। नहीं नहीं अभी तो आफ्टर लॉकडाउन के बाद अभी सब थोड़ा थोड़ा लेवल पे आ रहा है इसके लिए। बाकी सेल्स वगैरह चल रहा है? सुपर सेल्स, तो आप लोग का सपोर्ट है। सेल्स बहुत चल रहा है मस्त एकदम। और देखो बाइक सारी नई BS6, हाँ स्क्वारना भी है। अभी आप अपने बाइक की हालत देख लो, ये देखो पूरी ख़राब हो चुकी है, यू कैन सी फुल ख़राब है। ये सब भी हटा दूंगा मैं अभी। 1, 2, 3। सो गाइज मैं एक्चुअली जा रहा था घर पे, तो मैं खा रहा हूँ अभी जुगाड़ी अड्डा। सो अभी यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है सम इंडी इटालिया वड़ा पाव, एज यू कैन सी 40 रुपीज़। और यहाँ पे मस्त बन रहा है एकदम। क्या क्या डाला है उसमें? उसमें डाला है मायो, डाला है तंदूरी, डाला है सेजवान, डाला है टमेटो, पेप्सी कम, ऑनियन और लेटूस। ऑरेंज चीज है, वाइट चीज है, पेरी पेरी सॉस। ऊपर से भी चीज है वो इंडी इटालिया वड़ा पाव। तो एक बाइट ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जन्नत का नाम था ना, जन्नत, पूरा जन्नत है ये तो, पूरा जन्नत। अगर आप लोग
अगर आप लोग VIP खा रहे हो तो VIP छोड़ के ये भी ट्राई करो, इंडी इटालिया। One eternity later. So, अभी पूरी इतनी मेहनत करके घर पे आ गया, थोड़ा बहुत भीग गया मैं, बट ठीक है, मुंबई की बारिश कभी भी आ जाती है। तो अभी कुछ काम नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा लंच करूँगा, मेरी टैबलेट्स खाऊँगा और बस आराम करूँगा अभी घर पे। जुगाड़ी वड़ा पाव बहुत सही था, अभी मैंने जुगाड़ी वड़ा पाव खाया है, सो उतना जो कैलोरीज मैंने काउंट किया है तो वो कैलोरीज मैं कम खाऊँगा, मतलब घर पे थोड़ा कम खाऊँगा, समझे। दिस इज कॉल्ड कैलोरी डेफिशिएंट डाइट, इतना मेरे को समझा है। तो अभी देखते, ट्रायल चालू है, अगर कुछ कम हुआ तो बता दूंगा आपको। अभी घर वैसे ही बिखरा पड़ा है तो फटाफट ये लगा देता हूँ अभी।